हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। तो जब बात करने वाले हूँ ड्रीम 11 ECCT10 फिनलैंड वर्स इंग्लैंड 11 क्रिकेट मैच के बारे में, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी टीम के लिए किस प्लेयर को पिक करना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है। हम बात करेंगे DTN की ड्रीम टीम के बारे में और जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आइए मास्टर टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। मैं आपको इस ग्रैंड लीग की 10 टीमें प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, तो 10 टीमों के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपका अपना टेलीग्राम ग्रुप होने वाला है। मैं यहाँ पर आपको ग्रैंड लीग की 10 टीमें प्रोवाइड करवा दूंगा और यहाँ पर आपको आने के बाद विजन 11 का लिंक मिल जाएगा और विजन 11 को आपको डाउनलोड कर लेना और काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाना है। ना ही कोई कंपटीशन है और दोस्तों इंटरव्यूज भी काफ़ी डाउन है, तो यहाँ पर बिना किसी टेंशन के प्ले करिए और काफ़ी अच्छा पैसा कमाइए। और दोस्तों, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वो काम नहीं कर रहा हो, तो आप आइए यहाँ पर सर्च कीजिए टेलीग्राम पर आकर TT Playing 11, आप यहां पर पहुंच जाएंगे और काफ़ी मोटा पैसा कमा लीजिएगा। मैं आप लोगों को दोस्तों हर अपडेट देता हूं कि न्यू वीडियो आ चुकी है, क्लीन चिप हो चुके हैं दोस्तों। एक तरफा क्लीन चिप किया था और एक मैच हमने 20,000 रुपये विन किए थे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने 20,000 रुपये इस मैच में विन किए थे, तो काफ़ी अच्छी खासी प्रेडिक्शन हमारी चल रही है। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस मैच के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करें किस टीम ने कितने मैच खेले हैं, कितने मैच हारे हैं। तो फिनलैंड के बारे में बात करता हूं। तो फिनलैंड ने 6 मैच प्ले किया, जहां पर 1 मैच और 5 मैचों में उसका सामना किया है। और मैं वही बात करूँ इंग्लैंड 11 के बारे में, तो इंग्लैंड 11 काफ़ी अच्छी खासी टीम है। इन्होंने भी 6 मैच प्ले किया, जहाँ पर 5 में विन और 1 मैच में उसका सामना किया, 5 विन किया और 1 में उसका सामना किया है। तो दोस्तों, बात करें वेन्यू के बारे में, उससे पहले हम बात करें कॉम्बिनेशन के बारे में कि हम इस मैच का जो कॉम्बिनेशन वो क्या ट्राई करके चल सकते हैं। तो सबसे बेटर आपके लिए 4 और 7 का ही होने वाला है, बाकी मैंने इस ड्रीम टीम है उसमें 5 और 6 का बनाया है। बाकी दोस्तों, फाइनल टीम आपको स्टैट के आधार पर मिलेगी, स्टैट निकालूंगा, एनालिसिस करूंगा और एनालिसिस करने के बाद आपको फाइनल दूंगा टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वेन्यू के बारे में बात करूं, तो वेन्यू है दोस्तों कार्टामा ओवल, जो तो कार्टामा शहर में है। अब बात करें कि जो पिच रिपोर्ट है दोस्तों, पिच रिपोर्ट में आपको बता दूँ, जो स्पिनर्स हैं वो ज़्यादा विकेट निकालेंगे और दोस्तों जो बल्लेबाज हैं वो अच्छे रन बनाएंगे, यानी कि पिच है वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों फ्रेंडली है, तो बिना किसी टेंशन के आप लेके चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको अपनी टीम में स्पिनर को ज़्यादा ट्राई करना है पेसर्स की बजाय। पेसर्स को आप कम लेके चलना दोस्तों, लेके चलना है लेकिन कम लेके चलना है, हम स्पिनर्स को ज़्यादा अपनी टीम में लेके चलने वाले हैं। दोस्तों, मैं ड्रीम टीम बना चुका हूँ जो इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तब दोस्तों, मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनल टीम टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको इस ग्रैंड लीग की 10 टीमें देने वाला हूँ, तो टीम का वो ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लिए कौन से विकेट कीपर, कौन से बैट्समैन, कौन से ऑलराउंडर, कौन से बॉलर, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेटा, आप कंड तक वॉच कर रहे हैं, जो शुरू कंड तक वॉच करेगा उसको इस मैच में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। दोस्तों, मैंने इस मैच में 5 और 6 का कॉम्बिनेशन बनाकर रखा है, बाकी 4 और 7 का सबसे बेस्ट होगा। बाकी दोस्तों, टीम तो आपको मिलने वाली है। जहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन के बारे में, तो मोहन दोस्तों कन्फर्म बैटिंग मिलेगी और T10 का मैच आप सब समझ ही दिया, 60 तो गेंदें होती हैं और हर प्लेयर को मौका नहीं दिया जा सकता, इसलिए जिसको बैटिंग और बॉलिंग दी जा रही तो आपको उनको अपनी टीम में कंफर्म लेके चलना है। मैं आपको बताता हूँ, दोनों टीमों से 8 या 9 प्लेयर आपको ऐसे मिलेंगे जो बैटिंग और बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि T10 के मैच गली क्रिकेट होते हैं, जो पहले बैटिंग करेगा वही बॉलिंग करेगा। दोस्तों, अरविंद मोहन के बारे में बात करें तो इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खास रहता है, कि पिछले मैच में 16 का काफ़ी अच्छा स्कोर बनाए, उससे पिछले मैच में इन्होंने 44 काफ़ी ताबड़तोड़ स्कोर बनाए, इनकी बैटिंग कन्फर्म लेगी और ओपनिंग बैट्समैन है दोस्तों, तो इनको दोस्तों अपनी टीम में लेकर चल सकते, अपनी टीम में कैप्टन उसको ट्राई करते अपनी ग्रैंड लीग की टीम में। बाकी दोस्तों, अपनी समोरी की टीम में तो और किसी कैप्टन ना कर चलेंगे। मैंने दोस्तों पिछले मैच में 70 रन की काफ़ी बड़ी पारी खेली, 70 रन काफ़ी बड़ी पारी खेली दोस्तों, और T10 की मैच में कोई इतना बड़ा स्कोर कैसे बना सकते दोस्तों, मुझे विश्वास भी नहीं होता है, क्योंकि 60 तो गेंदें होती हैं, या तो अपने काफ़ी तेज़ खेलना पड़ेगा और तेज खेलते वो आउट भी हो सकता है, तो काफ़ी बड़ा स्कोर रहे। और मैं कभी भी अपनी टीम में बैट्समैन को दोस्तों प्रेफर नहीं करता हूँ, कैप्टन वो इस कैप्टन के लिए। बाकी दोस्तों, आप अपनी टीम में कैप्टन उस कैप्टन ट्राई करिए मैदर को, बाकी फाइनल टीम आपको मिलने वाली है। बैठे दोस्तों मैं गर्ग गारासर के बारे में, तो इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा लगातार मैचों से आपको पिछले देखने को मिलेगा कि 10 रन प्लस 1 विकेट का है, इनकी बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों मिलेगी कन्फर्म मिलेगी, तो आपको दोस्तों अपनी टीम में लेकर चलना ही चलना मैदर को। दोस्तों, वर्ल्ड के बारे में बात करूँ तो वर्ल्ड का पिछले 2 मैच परफॉर्मेंस डाउन है दोस्तों, मैं अपनी टीम में कैप्टन रखूँगा, इनसे बड़ा प्लेयर हो नहीं हो सकता दोस्तों, ये बाकी स्टैट के ऊपर होता है। स्टैट निकालूंगा, एनालिसिस निकालूंगा और फिर आपको फाइनल दूंगा टेलीग्राम पर, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और वर्ल्ड दोस्तों आप एक काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी खास चॉइस होने वाले, वर्ल्ड दोस्तों ऐसे भी इनका जो डोमेस्टिक लेवल का डाटा है वो भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल का है, और वर्ल्ड आपके लिए इस मैच का सबसे बड़ी चॉइस भी आप कह सकते हैं, तो वर्ल्ड को आप अपनी टीम में लेकर चलना ही चलना है। मैं बेवन के बारे में बात करें तो बेवन का जो परफॉर्मेंस दोस्तों, लगातार 4 मैच का जो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा है, पिछले मैच 50 लगाई है, उससे पिछले मैच को देखने को मिलेगा कि दोस्तों ज़्यादा स्कोर तो नहीं बना पाए, लेकिन 22 का स्कोर काफ़ी अच्छा खासा है, और T10 के मैच में कोई आप लिए इतना स्कोर बना रहे तो वो भी आप लिए काफ़ी अच्छी खासी बात है। दोस्तों, बात हूँ ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में, मैं आपको उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, वो T10 का मैच हो
वो T20 का मैच हो, वो IPL का मैच हो, या फिर वो ODI का, या फिर वो टेस्ट मैच हो, कोई भी क्रिकेट का मैच हो, अगर आप अपनी टीम में ऑलराउंडर सेक्शन से ज़्यादा प्लेयर पिक करके यानी प्रेफर करके चल रहे हैं तो आपके जीतने के साथ 20% तक बढ़ जाते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल मान लीजिए आपने एक IPL का मैच हो, इनके 1400 रुपीज़ उसकी एंट्री होती है, 1 करोड़ 1 करोड़ रुपये पहले इनाम होते हैं दोस्तों। 1 करोड़ इनाम के तो हम कैप्टन को ट्राई करेंगे, बैट्समैन को कन्फर्म। दोस्तों मेरा मानना है कि जो जनता देख रही है वो 70% यही सोचती है कि मैं बैट्समैन अपनी टीम का कैप्टन बनाऊँ, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपनी टीम में कैप्टन ऑलराउंडर को बनाना है, क्योंकि दोस्तों वो बैटिंग करेगा, बॉलिंग करेगा, बॉलिंग चलेगी तो दोस्तों बैटिंग ना चली दोस्तों बॉलिंग चली, यानी कि एक चीज़ तो चलनी ही चलनी है। और मान लीजिए दोस्तों आपका पैसा मतलब आपका टीम नहीं चली तो आपका जो 14 है वो तो बिल्कुल सेफ रहेगा, 100% सेफ रहेगा। और बाकी एक बार विजन 11 को डाउनलोड कर लेना दोस्तों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं देता हूँ, आपको टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करें पेयर्स के बारे में, तो पेयर्स इस मैच का दोस्तों काफ़ी बड़ा प्लेयर होने वाला है, जब भी मैच प्ले किया काफ़ी अच्छा सा परफॉर्मेंस दिखाया। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था बैटिंग फ्लॉप हुई तो दोस्तों बॉलिंग चल गई, यानी कि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों मिलेगी, कन्फर्म मिलेगी। बैटिंग चल जाती है तो बॉलिंग चल जाती है, बॉलिंग नहीं चलती और बॉलिंग नहीं चलती तो बैटिंग नहीं चलती, यानी कि एक चीज़ भी चलती है तो दोस्तों आपका जो 14 है वो तो बिल्कुल सेफ रहेगा ही रहेगा। इसलिए आप अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिएगा कि आप ऑलराउंडर को प्रेफर करें और कैप्टन वाइस कैप्टन उनको ही ज़्यादा दें। बाकी दोस्तों पेयर्स भी आपके लिए काफ़ी बेस्ट सोच है कैप्टन के लिए। बाकी दोस्तों हम लास्ट में बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में, तो दोस्तों बात करूँ वुड्स के बारे में, तो वुड्स का जो परफॉर्मेंस था पिछले मैच में काफ़ी दोस्तों ख़राब था, जहाँ पर दोस्तों इनकी काफ़ी अच्छी खासी पिटाई हो गई थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। बाला साहब के बारे में बात करें तो बाला साहब का जो दो लास्ट थर्ड मैच का परफॉर्मेंस था वो काफ़ी अच्छा खासा था, 3 विकेट निकाली और हमारे कैप्टन होते तो कौन हमें GLN की ग्रैंड लीग विन करने से रोकने वाला था। इसलिए दोस्तों ट्राई करिएगा कि आप अपनी टीम में ज़्यादा ज़्यादा कैप्टन उस कैप्टन इनको ही बनाकर चलें। सेकंड लास्ट मैच के वुड्स का परफॉर्मेंस देखें, देखिए मैंने आपको बताया था कि दोस्तों बैटिंग फ्लॉप हुई तो बॉलिंग चले गई, इनकी एक चीज़ तो चलनी ही चलनी है। और ट्राई करें कि ऑलराउंडर आपके लिए सबसे बेस्ट हो। बोल सकते दोस्तों शाहिद के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, तो शाहिद का जो परफॉर्मेंस है इतना अच्छा खासा नहीं है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों बॉलिंग सेक्शन से आपको अच्छे प्लेयर नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि जो अच्छे प्लेयर हैं तो विकेट कीपर सेक्शन में दोस्तों 3 प्लेयर हैं। विकेट कीपर सेक्शन में मोहन भी अच्छे प्लेयर, मैलर भी और लिंकन भी काफ़ी अच्छे खासे प्लेयर हैं। दोस्तों मैं सभी को नहीं उठा सकता हूँ, इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा रहता ही रहता है। बाकी जो फाइनल टीम होगी स्टैट के आधार पर मिल जाएगी। बाकी दोस्तों शाहिद को आप टीम से ड्रॉप करके चाहें तो दोस्तों आप लिंकन को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एक सेकेंड शायद को ड्रॉप नहीं करके सॉरी दोस्तों शायद को तो लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 बॉलर हमें उठाने इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं। दोस्तों आप किसको ड्रॉप कर सकते हैं, वुड्स को ड्रॉप करके हम टीम में चल सकते हैं, तो आप लिंकन को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, या दोस्तों आप बाला साहब को टीम से ड्रॉप करके लिंकन को अपनी टीम के लिए ड्रॉप कर सकते हैं। तीनों ही प्लेयर दोस्तों कन्फर्म बैटिंग करेंगे, 100% करेंगे, कोई पहले बैटिंग लेगा, कोई 1 डाउन है, कोई 2 डाउन है, लेकिन बैटिंग को कन्फर्म मिलेगी। लिंकन बैटिंग करेगा, मैलर बैटिंग करेगा, मोहन भी बैटिंग कन्फर्म करेगा ही करेगा। बोलो दोस्तों मैंने एडवर्ड्स के बारे में बात करती है, तो एडवर्ड्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा है। लगभग दोस्तों एक दो विकेट निकालते रहते, पिछले मैच में इन्होंने 2 विकेट निकाली थी और काफ़ी अच्छी खासी थी। और मान लीजिए हमारे कैप्टन होते तो कौन हमें GL ग्रैंड लीग करने से रोकने वाला है। और वैसे मैं आपको 10 टीमें दूंगा तो उसमें आपको सभी कॉम्बिनेशन सभी कैप्टन और कैप्टन देखने को मिल जाएंगे, और इस मैच में काफ़ी अच्छा खासा पैसा विन करने वाले हैं। मोहम्मद के बारे में बात करें तो मोहम्मद दोस्तों पिछले मैच का परफॉर्मेंस 1 विकेट निकाली थी दोस्तों, इनकी थोड़ी पिटाई हो गई थी, इसलिए दोस्तों मैं लगता है कि इतनी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं है, लेकिन 1 विकेट तो निकाली ही थी। और बॉलिंग सेक्शन से जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे खासे ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, या तो दोस्तों आपको 3 जो है आपको ज़्यादा पिक के चल रहे हैं। बाकी दोस्तों बॉलर 3 उठाने इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने वहाँ पर उठाया है। टीम का प्रयोग करेंगे जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैंने उस टीम में 3 विकेटकीपर, 3 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर, 3 बॉलर को चूज किया, ये हमारी अनडिविजिबल 11 होने वाली है। तो दोस्तों देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको 4 और 7 का कम से कम सबसे बेस्ट होगा, मैंने 4 7 का ऑप्शन बना दिया है। बाकी दोस्तों बाला साहब को ट्राई करना तो बाला साहब को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको लिंकन को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो अब बात है कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में, ये किसको कैप्टन है किसको वाइस कैप्टन है। दोस्तों मोहन, लिंकन और मैलर तीनों ही बेस्ट चॉइस है, कन्फर्म बैटिंग करेंगे तो अपनी एक एक टीम में इनको वाइस कैप्टन ट्राई कर लीजिएगा। बाकी मैलर को अपनी टीम में कैप्टन ट्राई कर लें, क्योंकि पिछले मैच में उनका परफॉर्मेंस था काफ़ी अच्छा खासा था, और इस मैच में इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा रह सकता है। बाकी दोस्तों आप फाइनल टीम तो मैं आपको देने वाला हूं, तो कहा अगर दोस्तों अपनी टीम में कैप्टन ट्राई करें ना कि बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे। दोस्तों वर्ल्ड को अपनी 2 टीमों में कैप्टन बना लेना, पेयर्स को दोस्तों अपनी 4 टीमों में कैप्टन बना लेना, वुड्स को दोस्तों कैप्टन उस कैप्टन नहीं बनाना है। बाकी दोस्तों आपको इन तीनों में से एडवर्ड्स को ट्राई तो मार सकते हैं वो उस कैप्टन लिए, बाकी इनको ट्राई नहीं करना है। तो दोस्तों इस टीम में मैं कैप्टन दोस्तों पेयर्स को ट्राई करूंगा, और उस कैप्टन में मैं वार्ड को ट्राई करूंगा। बाकी जो फाइनल टीम होगी दोस्तों वो आपको मैं देने वाला हूं, और मैं फाइनल टीम आपको 10 टीम दूंगा, वो भी ग्रैंड लीग की, और वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन आएगी, मैं टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। तो दोस्तों इसको सेव करते हैं। तो दोस्तों
प्लीज़ से मेरी मेहनत के लिए, आप सभी को तो काफ़ी मेहनत लगती है, तो मेरी मेहनत की प्लीज़ से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनल टीम के टैलेंट को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और उसी से मोटिवेट होकर मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी अच्छी टीम देता हूँ टेलीग्राम पर, और इस वीडियो को शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।